हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे है 9:30 और मैं अभी बाहर आई हूँ। मैं कहा चलो, मैं थोड़ी देर ना सो गई थी। हुआ क्या कि पूजा के पापा चले गए 8:30 बजे, तो उन्होंने कहा मुझे इतना सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, तो मुझे बाद में भेज दियो। गाइस, सुबह उठते चाय पी लो ना, उसके बाद दिल नहीं करता कि 8:30 एकदम से परांठा वगैरह या रोटी कुछ भी खा लें। होता क्या है, गर्मी इतनी है, दिल नहीं करता उतने खाने का। तो उन्होंने कहा मेरे को 10 बजे के करीब भेज दियो, तो मैं 9:30, मैंने क्या करा, मैं भी 1 घंटा और सो गई जाके। तो मैंने कहा चलो उठ के अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो पिछली बार मैंने काकू से पूछा, मैंने कहा काकू क्या बनाऊँ, काकू कह रहा है मम्मी आलू के परांठे। उस दिन जो 2 दिन पहले आलू उबाले थे, उसके परांठे नहीं बने थे, सब्जी खा ली थी। तो मैंने कहा चलो मैं परांठे बनाऊँ, अब मैं आलू उबाल के दोबारा से परांठे बनाती हूँ। तो उस दिन तो नहीं बन सके, अब बना देती हूँ। तो गाइस, जाती हूँ रसोई किचन की तरफ और करती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो चलिए दिन की करते हैं शुरुआत। मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें लिखा हुआ था कि आप ब्रेकफास्ट में ही मैंगो शेक दे रहे हो, उसके बाद क्या कहते हैं ये चाय साथ लेते हैं परांठे के। तो गाइस, अगर मैं चाय के साथ परांठा दे देती तो वो बिल्कुल भी मैंगो शेक ना पीते, क्योंकि गर्म के बाद ठंडा नहीं लेते वो। एक बार चाय पीने के बाद वो तो काम पे चले जाते। पर मैंने ये सोचा, चाय एक बार सुबह पी चुके थे तो मुझे था कुछ ठंडा दे दूँ, और काकू का भी बिल्कुल दिल नहीं था गाइस मैं चाय पीऊँ। उसने कहा था मम्मी मुझे मैंगो शेक देना, तो मैंने भी उसके लिए तभी मैंने मैंगो शेक बनाया था। मैंने कहा एटलीस्ट सारे पी लेंगे वो। तो गाइस, ये मैंने आलू को अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया, जैसे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल 1 चम्मच, और उसमें आलू पहले डाले थे और प्याज डाले हैं बाद में, क्योंकि यहाँ गोपू जी का ब्रेकफास्ट के लिए भी आलू निकालने थे। तो देखिए गाइस, इसमें बिल्कुल प्याज नहीं है और इसमें प्याज है। तो सबसे पहले बनाऊंगी गोपू जी के लिए परांठा, उसके बाद बनाऊंगी पूजा के पापा का और क्या कहते हैं काकू का। पिछली बार ना मैंने आलू के परांठे ऐसे ही थोड़े दिन पहले बनाए थे, तो क्या हो रहा था, मॉइस्चर आ रहा था काफी सारा, जिससे ना परांठे फट रहे थे। कई बार आलू ऐसे होते हैं कि मॉइस्चर वाले होते हैं, आप जितना मर्जी उसको खोल लो वो नहीं सेट बैठते। तो इसमें ऐसे करके बनाती हूँ तो इससे सही सेट बैठ जाते हैं कि ये क्या कहते हैं फटते नहीं है पूरा परांठे, क्योंकि मॉइस्चर सारा खत्म हो जाता है और 2 मिनट लगते हैं मुश्किल से। जैसे समोसे का पेस्ट बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, कचौड़ी का बनाते हैं, वैसे सेम आलू में आप स्टफिंग करके भर दो, बिल्कुल ईजी होता है और अच्छे से भर जाता है। तो मैंने कहा चलो आज यही बनाती हूँ। तो चलिए गाइस, अब बनाती हूँ इनका ब्रेकफास्ट। फोन भी आ चुका है तो मैं अंदर का ना बेड वगैरह साफ करने लग गई थी। मैंने कहा फिर रूमा आ जाएगी तो वो काम कर लेगी, तो बस उसी का वेट कर रही थी। मैंने कहा वो भी साथ साथ आती है, क्योंकि 10 बज चुके हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 10:30-11 के करीब आ जाएगी। तो यहाँ बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, और उधर गली में मैंने देखा वो काम कर रही थी किसी का, तो मुझे मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा करके वो वापस आ जाएगी। तो गाइस, ब्रेकफास्ट हो चुका है पूजा के पापा का रेडी। मैंने बटर वाला परांठा 2 परांठे दिए हैं, और ये मंगा ली थी दही, मैंने कहा साथ साथ ये भी देता जाइयो। तो दही और परांठे काकू दे आता है फटाफट, और उसके बाद मैं अपने बनाती हूँ। तो गाइस, साथ में ना फ्रिज में ये पूजा के पापा घेवर लेके आए थे, फ्रिज में रखा था, तो मैंने कहा साथ साथ ये भी डाल दे, खत्म हो जाएगा नहीं तो ये फिर, क्योंकि मैं इतना मीठा खाती नहीं, पूजा के पापा को देना होता है, तो थोड़ा थोड़ा पीस करके हम 2 बार दे देते हैं दिन में। तो जैसे अब मैं इनका ब्रेकफास्ट में देती हूँ दोपहर को खा लेंगे, तो बस इनको भेजती हूँ परांठे घेवर और दही। तो ये आप काकू आते समय अपने लिए लाया है गुजराती नमकीन है ये गाइस, सेवियाँ नहीं नमकीन इसको बोलते हैं, नमकीन भुजिया। तो ये लाया है अपने लिए, इसको बड़ी पसंद है ये वाली प्लेन। तो प्याज और नींबू डाल के तो बहुत टेस्टी लगते हैं, और साथ मंगाई है पकौड़ियों के पैकेट और दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है। मैंने कहा तू ले आ दिन में ही। होता क्या है गाइस, रात को ना पूजा के पापा का रायता खाने का दिल कर रहा था उस दिन, एक दिन पहले, तो क्या कहते हैं पकौड़ियाँ नहीं थी, लाना भूल गए। तो हमारे पास हमने काकू को फ़ोन किया, तो आते समय लेता ये, काकू कह रहा मुझे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आसपास ना कोई शॉप नहीं है। जैसे कई बार होता है कि गली में आसपास ही शॉप होती है, तो नहीं है, यहाँ से 5-7 मिनट के अंतर में है, थोड़ी दूर करके बनती है, थोड़ी दूर है। तो हम कोशिश करते हैं अगर चक्कर लगे जो जो हमें सामान चाहिए हम मंगा लें। तो जैसे काकू का चक्कर लगता है तो मैं वही कहती हूँ कि जो चीज़ चाहिए होती है मुझे याद आती है तो मैं फ़ौरन मंगा लेती हूँ, नहीं तो मैं खुद लेके आती हूँ गाइस। फिर मेरा शाम को लगता है तो मैं कोशिश करती हूँ खुद लेके आऊँ। तो अभी मैंने इसलिए मंगा लिया, मगर अगर दिमाग से निकल भी जाए तो घर में वो चीज़ें हों। तो गाइस, आज बना रही हूँ चने की दाल के चावल, ये देखिए, और यहाँ मैंने चावल भिगो रखे हैं, तो बस आज यही बना रही हूँ। खाना बनाने का बिल्कुल भी गाइस दिल नहीं है, तो यही गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, आप फेस से ही पता चल सकता है आपको। और मैं बना रही हूँ आज दाल वाले चावल, जो बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी है, मैंने कहा फटाफट 10 मिनट में बन जाते हैं। रोटी बनाने का गाइस बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, और फेस पे इतनी गर्मी लग रही है, तो मैंने कहा यही बनाती हूँ जल्दी, 10 मिनट में बन जाते हैं, पूजा का वगैरह बना ले, रात को रोटी सब्जी का देख लेंगे। तो मैंने फटाफट एक साइड पहले दाल भिगोई, क्योंकि अगर चने की दाल के चावल बनाते हैं
तो सबसे पहले दाल को भिगोते हैं, वो आधा घंटा गर्म पानी में भिगो दी, वो थोड़ी सॉफ्ट होगी। उसके बाद मैं का चावल रखती हूँ, और अब मैंने रखा है प्याज टमाटर का मसाला, उसमें दाल डाल दी है। इतने में दाल को भूनते हैं और फिर डालती हूँ। तो गाइस देखिए, दाल भुन रही है अच्छे से, और यहाँ चावल भी धो दिए मैंने। बस अब मैं जाती हूँ और ये चावल डालती हूँ, इसके अंदर ऑयल सेपरेट हो चुका है, और बस बनाती हूँ फटाफट दाल वाले चावल। गाइस चावल बन चुके हैं, देखिए कितने रेड रेड खिले खिले चावल बने हैं। तो क्या कहते हैं, बस पूजा के पापा के करती हूँ पैक चावल, और काकू को कहा है दही लेके दे दियो, और घर के लिए भी दही ले आएगा काकू, और लस्सी भी ले आएगा, पापा को भी लस्सी दे दियो। फिर ठीक है, फिर काकू डिनर सॉरी लंच करके काम पे चला जाएगा। तो क्या कहते हैं, उसके बाद ही आएगा 10:15 के करीब। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी। तो मैंने प्याज और शिमला मिर्च लंबे लंबे काट के उसको अभी ऑयल में डाला है, और यहाँ मैंने ये 3 टमाटर कद्दूकस कर लिए हैं, बट जैसे ही अच्छे से फ्राई होंगे टमाटर डाल दूंगी। गाइस देखिए, मसाला अच्छे से भून चुका है, और यहाँ मैंने पनीर के क्यूब्स भी काट लिए हैं, और इसको डालती हूँ इसके अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो गाइस पनीर अच्छे से देखिए मिक्स कर लिया है, और इसको 5 मिनट हम लो फ्लेम पे बिल्कुल ढक के पकाते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली सब्जी है और बहुत टेस्टी बनती है गाइस। पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। तो बस मैंने फटाफट ये बनाई है, और साथ में लगाती हूँ आटा और रोटी बना के फेंक देती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है, उसके बाद चली जाऊंगी। जैसे पूजा के पापा और काकू आएंगे, काकू आएगा तो मैं चली जाऊंगी अंदर, और बस फिर उसके बाद एक बार रोटी से फ्री हो जाऊं। और हालत इतनी खराब हो रही है गाइस, 1 मिनट में फेस पे इतना पसीना आ रहा है ना पूछ। तो गाइस सब्जियां देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो गैस की फ्लेम करती हूँ बंद, और बस इसको ढक के रखती हूँ, और साथ साथ बनाती हूँ रोटी। तो गाइज मुझे ना बार बार कमेंट्स आते हैं कि आप ना बार बार बोलते हो पूजा के पापा, पूजा के पापा। तो गाइज पूजा के पापा ही मुंह पे चढ़ा हुआ है, तो मैं इसीलिए बोलती हूँ पूजा के पापा, काकू मुंह में नहीं चढ़ा हुआ। गाइज हमेशा आप किसी के घर में भी देख लिए, अपने घर भी देख लीजिए, अगर जो बच्चा बड़ा होता है ना उसी का नाम मुंह पे आता है, तो वो दूसरे का नाम नहीं आता। तो यही कारण है कि हम उसको बोलते हैं, या छोटा सबसे छोटा या सबसे बड़ा, बीच वाले बच्चों का भी नाम नहीं आता। तो अब मम्मी है, मम्मी को ना लोग ललिता की मम्मी बोलते हैं, ललिता की मम्मी, तो कभी ये नहीं बोला हेमा की मम्मी, कंचन की मम्मी, या बोलते दीपू की मम्मी, या तो बड़ा या छोटा। हमारे घर में भी यही चीज थी, पर अभी हम यूट्यूब में है ना, तो आपको ये चीज लगती है, लेकिन सबके घरों का ही यही है। तो इसीलिए मैं पूजा के पापा को ये नहीं कह सकती, पड़ोसी के पापा नहीं बोल सकती, गाय मुंह पे यही चढ़ा हुआ है पूजा के पापा, तो इसलिए पूजा के पापा ही बोल। तो गाइस डिनर तो हो चुका है, और पूजा के पापा कर रहे हैं सोने की तैयारी, और साथ साथ देख रहे हैं मोबाइल। तो मैंने कहा मैं भी आती हूँ, मैंने किचन के धोए बर्तन, और मैंने कहा चलो मैं फ्री होके फिर मैं भी सोती हूँ। तो बर्तन वर्तन हो चुके हैं, किचन साफ सारी कर चुकी हूँ, काकू को बोला है तो सारी फ्रिज की बॉटल भर दे, वो बॉटल भर रहा है, और जो बर्फ के क्यूब्स हैं मैंने कहा बर्फ भी जमा दे, क्योंकि क्या होता है अभी बर्फ ना जम नहीं रही उतनी, गाइस टाइम ले रही है, गर्मी हो रही है बहुत। तो मैंने कहा तो उसको जो जो बर्फ का ट्रे भरनी है वो भर दे, साथ साथ सारा काम उसने मेरे साथ हेल्प करवा दी काफी। काकू भी बहुत हेल्प कराता है गाइस, सुबह शाम जब उसके पास टाइम होता है बहुत हेल्प करा देता है। और क्या कहते हैं, अब मैं जा रही हूँ, मैंने कहा मैं भी चलो ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।